नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 11 फरवरी। पिछले दो तीन सेशन में हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा। इसी मोमेंटम को कंटिन्यू आगे रहेगा नहीं रहेगा, इसको देखते हुए हमने एक वेबिनार का आयोजन किया है अकोशा के साथ। इनकेस अगर आपको इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करना है तो नीचे दिए गए लिंक और नंबर पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट होने की वजह से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखकर आप इसको रजिस्टर कर लीजिए। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा कि कॉटन के प्राइजेस में 0.5% की गिरावट आते हुए दिखाई दी। कपास में हमने करीबन 0.25% की गिरावट आते हुए दिखाई दी। कॉटन सीड ऑयल केक में भी 0.25% की गिरावट आते हुए दिखाई दी हमें। हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कल यूएसडी की रिपोर्ट के बाद कॉटन में थोड़ी बहुत तेजी जरूर थी, बट 88 सेंट के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए और इस वक्त इंटरनेशनल में 85 सेंट के करीब कॉटन ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉटन की अगर बात करें डोमेस्टिक मार्केट में, जब तक 21,500 के ऊपर होल्ड नहीं करता, एक पुलबैक जरूर दिखा सकता है, जो 21,100 तक का लेवल रह सकता है। टेक्निकली भी हमने देखा एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से ये दबाव बना हुआ है। कपास की अगर बात करें, कपास में हमने 0.5% की गिरावट दिखी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है मार्केट में थोड़ी बहुत पुलबैक दिखा सकता है या कंसोलिडेशन रह सकता है। वही कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा 23.20 का लेवल तोड़ने के बाद 23.45 तक का भी लेवल देखा था, बट कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का डर मार्केट में बना हुआ है, क्योंकि हायर लेवल्स पे हाजिर मार्केट में कोई बड़े लेवल नहीं है, जिसके चलते कल हमने 0.25% की गिरावट के साथ प्राइजेस को 22.86 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आज करीबन 2280 का जो सपोर्ट लेवल अगर ये तोड़ता है तो 2240 तक का एक पुल बैक देखने मिल सकता है। जिस ढंग से हमने देखा था कि डोमेस्टिक मार्केट में जो सपोर्ट मिल रहा था वो अभी भी कायम है, लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि प्राइसेस में एक पुलबैक देखने मिल जाएगा। तो आज थोड़ा सा कॉशियस रहिए कॉटन कपास और कॉटन सीड ऑयल के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी मार्केट 85 सेंट के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते आज डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा दबाव रह सकता है। चार्ट के लिए अगर हम बात करें तो हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन देखा था कॉटन में, जो ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट एज ऑफ नाउ हमने देखा कि प्राइजेस 21,500 के ऊपर टेस्ट किया और वहां से थोड़ी बहुत गिरावट दिखा रहा है। इचिमिको क्लाउड ग्रीन में है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखा रहा है चीजों को, बट बाय ऑन ड्रॉप शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर कॉटन। नीचे में 21,100 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन है, जो आगे की तेजी अच्छी बता रहा है 2450 तक का लेवल, बट आप देख सकते हैं 50% का जो रिट्रेसमेंट था वो 23.50 के करीब था। हमने 23.45 का ऑलरेडी जंप आते हुए देखा है, थोड़ा पुलबैक पॉसिबल है जो 22.40-22.10 तक का भी लेवल दिखा दे। इस पुलबैक के बाद फिर से मार्केट तेजी का ही रुख करेगा। टाइमिंग आज के लिए लॉन्ग पोजीशन से बचे, जब तक 23.20 के ऊपर नहीं जाता है बेच के काम कीजिए, जो 22.40-22.20 तक का लेवल दिखा सकता है। खाली 23.20 का ध्यान रखिए, 23.20 के ऊपर ही मार्केट तेजी में रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।